प्रिय सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। खुश रहो बेटा, ये दुनिया ही पुण्य से चल रही है। पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं, उसी से चलती है। बिल्कुल बेटा, पुण्य शब्द का जो अर्थ है, पाप और पुण्य कुछ डिवाइड नहीं है। किसी के लिए जो पाप है दूसरे के लिए पुण्य है। कोई मांस खाता नहीं पुण्य कमा रहा है, कोई बलि दे रहा है उसको पुण्य मान रहा है, पाप को ही पुण्य मान रहा है। तो ऐसा कुछ डिवाइड नहीं है पाप पुण्य। पुण्य का अर्थ है समझदार होना, पाप का अर्थ है ना समझ होना। ना समझी में किए जाने वाले काम पाप कहलाते हैं, जो बिना समझ बूझ के किए जाते हैं। अप्राकृतिक कार्य कर रहे हैं मतलब पाप है, प्राकृतिक कार्य कर रहे हैं मतलब पुण्य है। हाँ, तो आपने जो भी पुण्य अर्जित किया अच्छे काम करके आप लोगों ने परिवार को, तो दरबार मिलता ही है, ईश्वर की शरण मिलती ही है, बाबा जैसे पूर्ण गुरु की शरण मिलती है। हमें तो ये अभी तक मतलब मालूम नहीं हुआ कि हम दरबार आए और अनुष्ठान कर दिए, मतलब ये स्वप्न की जैसा लग रहा है। अब आप लोग एक ही दिन में स्वस्थ होते हैं, एक ही दिन में आपको लगता है कि हम कैसे बदल गए एकदम से, हैं? अपने आप को सब अच्छा अच्छा महसूस करते हैं, अच्छी एनर्जी होती है। अगर आप नकारात्मक नहीं रहते हैं, नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आए इसके बाद, आप हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। सब पॉजिटिविटी। ये आपके बेटा तमाम कष्ट थे, ये दरबार ने सब नष्ट किए। छाती पे जकड़न होना, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, मासिक संबंधित कष्ट होना, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत होना, चिड़ होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, आंतों में सूजन थी और फटन होना, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द और सूजन था, भगंदर की स्मृतियां थी, छाती में जलन होना, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में, किडनी में, लीवर में और श्वास नली में। कोई चिंता नहीं, जुड़े रहना है बाबा माँ से, मांगते रहना है कौन से, जैसे पिता से मांगते हैं बच्चे, माँ से मांगते हैं बच्चे, वैसे हैं। अच्छा था वो अच्छा था। गंदगी चार तरह से ही निकलती है, पसीने से, ब्रीदिंग से, नाक से श्वास के द्वारा, मल और मूत्र से। यही चार सिस्टम है जो सूत्र हैं जिनसे गंदगी जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा जाने का अर्थ होता है कि गंदगी ज़्यादा है शरीर में, है ना। अभी सभी ये सब खत्म, अभी लेपन आदि करेंगे आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छे बने रहेंगे, खुश रहिए। खुश रहिए, एकदम आनंद में। आप कुछ अस्वस्थ हो तो बताइए, बचा हो कुछ तो वर्तमान में, भूतकाल नहीं, भूतकाल नहीं, प्रेजेंट टाइम में आपको एक कष्ट आपको बचा हो तो बता सकते हो। श्वास लेने में तकलीफ होती थी पहले, यहाँ पे कष्ट होता था चेस्ट में, वो श्वास लेने में ही तकलीफ थी,
क्योंकि आपके लंग्स डैमेज हो रहे थे, फेफड़े हैं, इसलिए अब आप एकदम ठीक है। आप गहरी गहरी सांस लेके देख सकती हैं, अब आपको कोई ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम नहीं, कोई चेस्ट में प्रॉब्लम नहीं, खुश। मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं। पढ़ने का मन? ठीक, खुश रहो, खुश रहिए हीरो, एकदम आनंद में है। आप ठीक हो? यस। मोबाइल देखना है? नहीं। वेरी गुड। पढ़ने का मन कुछ कर रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। आप खूब, क्या लग रहा है, आप कितने परसेंट नंबर ला सकते हो आप? 100 out of 100। बहुत बढ़िया, खूब खुश रहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, आप ऐसे ही सब है। बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस दिया गया है कि खूब पढ़ेंगे जम के और 100 में 100 नंबर लाएंगे, ये इनका संकल्प बन गया है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ, अपने दिल के अंदर आप सब मेरे हृदय में रहते हो। हाँ, खूब खुश रहिए, खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश रहो बेटा। महावन इसको, बच्चे को पुण्य दे दे, इसको इसको खड़ा करो, हीरो को। आप बेटा आंखें बंद करो अकेले, ओम, इस बच्चे को एक दूसरी माँ उनके पुण्य, इसको ना देखे। आप आँख खोलो बेटा, आप पापा को खड़ा करो, आप आंखें बंद करो, इनको एक दूसरी माँ उनके पुण्य का अंश प्रदान किया जाए, दरबार की ओर से सक्रिय कर दिया जाए। सुश्रुत से हम प्राण प्राप्त हो, हम पुण्य प्राप्त हो, उसका संकल्प पूरा करो। प्राण 5-7 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के बंधन खींच लीजिए 7 बार। बेटा जब संकल्प को महावन का, तो आप खड़े होकर के अपना संकल्प कर लेंगे, आपके पास पुण्य है, और धर्म पत्नी आपकी महावन कर लेंगे दोनों बच्चों का, और अपना संकल्प लेकर के तीन ही लोग रह सकते हैं, तो आप चारों के पास पुण्य रहेगा एक दूसरी महावन का। ठीक है, खुश खुश खूब खुश। क्या खाना है? सी फूड। अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं तो खा सकते हैं। उन बच्चों से पूछो सी फूड्स खाने का मन कर रहा है, पूछिए। दोनों खड़ा करिए, खड़ा करिए, आंख बंद करके देखिए सी फूड्स आपके सामने, खाने की कोशिश करिए, देखो खा पाते हैं। नहीं खाना सी फूड्स आपको? नहीं। तो फिर अब आप कैसे खिलाओगे दोनों को? उसको तो सोच के उल्टी आ रही है, बच्ची को लग रहा है उल्टी जैसी। हाँ, तो फिर कैसे खिलाओगे आप सी फूड्स? वो सब छूट जाता है, कुछ नहीं खाते। यही कहा, जो प्राकृतिक चीजें फिर आप वही कर पाएंगे, आप प्राकृतिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोड़ शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए। माँ बाबा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा।